आज बात करेंगे नेगेटिव ऑफ ए नंबर या जिसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर की। तो ये है क्या नेगेटिव ऑफ ए नंबर या एडिटिव इनवर्स क्या है? देखिए, हमने पहले जो नंबर्स की बात की थी जिसमें हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे, होल नंबर पढ़े थे, इंटीजर्स पढ़े थे। इंटीजर्स क्या थे कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर भी थे जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास जो थे नेगेटिव इंटीजर भी थे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो 1 का एडिटिव इनवर्स होगा क्या होगा, अगर हम 1 को प्लस करें, एडिटिव इनवर्स यानी कि 1 का नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा इसका -1, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, 1 -1 = 0। तो यानी कि अगर ये प्रॉपर्टी कहीं भी आपकी फॉलो होती है तो उसको हम बोलते हैं उस नंबर का नेगेटिव नंबर या एडिटिव इनवर्स। इसी तरह से आप कोई भी केस ले लीजिए, -2 आप ले लीजिए, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अब ये माइनस है यानी कि साइन चेंज और सेम नंबर, तो ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 2 = 0। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 - 2, जैसे यहाँ -2 + 2 था, इसी तरह से 2 के अंदर प्लस कर दें -2, यानी कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर। तो अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है कोई भी चीज़ तो हम उसको बोलेंगे कि एडिटिव इनवर्स है या फिर नेगेटिव ऑफ ईच अदर है। तो इसी तरह से किसी का भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए -4 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिर्फ 4 होगा, इसका साइन चेंज और नंबर वही, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। या कहें कि 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4। तो 4 प्लस यानी कि -4, अगर आप इसको ब्रैकेट में लिखते हैं तो 4 यहाँ प्लस आ जाएगा, 4 + -4, तो ये है इसका एडिटिव इनवर्स। तो इसी तरह रेशनल नंबर की आप बात कर सकते हैं, तो रेशनल नंबर में आपको दिया है 2/3, तो 2/3 दिया है तो प्लस का 2/3 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स या इसका जो नेगेटिव नंबर है वो क्या होगा, सेम नंबर तो रहेगा, 2/3 ही है, लेकिन इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस। अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह से बात करें -8/9 की, -8/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 8/9 क्या प्लस का, तो प्लस तो है ही, तो ये भी क्या, जब आप इसको प्लस करेंगे 0 आ जाएगा। कैसे, ये देखिए जो 9 है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, दोनों में कॉमन है 9, ऊपर क्या आ गया, -8 और +8, तो 8 - 8 = 0, तो 0 आ गया ये। तो इसी तरह से आपको दिया है -11/7, इसको किस चीज़ में प्लस करें कि ये 0 आ जाए, तो इसका नेगेटिव नंबर में प्लस करें तभी 0 आएगा, तो इसका नेगेटिव नंबर क्या होगा, -11/7 का, तो 11/7, सिंपल, ये माइनस का था ये प्लस का होगा। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 नीचे आ जाएगा, जो एलसीएम है 11 - 11 आ जाएगा, यानी कि 0। तो इस तरह से देखिए आप कोई भी जो एडिटिव इनवर्स है या नेगेटिव नंबर है आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं कि किसका कौन सा एडिटिव इनवर्स है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।